सफ़वा एक बुनियाद है जिससे मुझे एक चीज़ मिली कि मुझे आगे कहाँ तक जाना है। और एक्चुअल में सफ़वा मुझे ऐसा लगा तो पहला स्टेप है, पहला एक कदम है जहाँ से मैं दीन सीखने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। सफ़वा टीचर्स की अगर बात करें तो मैं 5 out of 5 स्टार दूंगा। सफ़वा ज्वाइन करने से मुझे एक बहुत बड़ा स्टेप मिला, एक बहुत बड़ा रास्ता मिला, एक दरवाज़ा खुला जिसके थ्रू मैं इस्लाम सीखने में आगे बढ़ सकता हूँ। और जिन मामलात में मैं बहुत परेशान रहता था कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये इस तरह से क्यों है, उसमें उसूली तौर पर चीज़ें कैसे हैं ये समझ आया। और जिसकी वजह से एक बता रहा हूँ कि एक इत्मीनान है, खुशी है और प्यास मज़ीद बढ़ गई कि मुझे आगे बहुत चीज़ें सीखनी हैं। जी मुबारक फ़ारूक है, मैं MBA कर रहा हूँ एक्चुअल में सुपीरियर यूनिवर्सिटी से वीकेंड प्रोग्राम में। उसके अलावा मेरी पाकटक मारिफ में हॉस्टल सुपरवाइज़र एज जॉब कर रहा हूँ और साथ में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ। सफ़वा कोर्स जब मैं लाहौर आया उसके बाद आलमी दरार से थोड़ी सी वाकफियत होना और उसके बाद सफ़वा का मुझे पता चला, तो जब लाहौर आके मुझे इस्लाम का या दीन का कुछ पता चलना शुरू हुआ, पहले चीज़ें पता थी लेकिन उनकी बेसिक्स बुनियाद नहीं पता थी, तो वो सब कुछ जानने के लिए एक वो पूरी तरह से एक प्यास महसूस हुई, कमी महसूस हुई कि मुझे चीज़ों का बुनियादी तौर पे ही नहीं पता। तो उसके लिए मैंने सफ़वा ज्वाइन किया। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सफ़वा ज्वाइन करके मुझे क्या कुछ आएगा, मैं ये सोच रहा था कि सफ़वा मैं ज्वाइन करके शायद मैं A to Z चीज़ें सीख जाऊँगा, तो वैसा तो नहीं है। सफ़वा एक बुनियाद है जिससे मुझे एक चीज़ मिली कि मुझे आगे कहाँ तक जाना है। और एक्चुअल में सफ़वा मुझे ऐसा लगा तो पहला स्टेप है, पहला एक कदम है जहाँ से मैं दीन सीखने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। और मैंने सफ़वा के अंदर जो मेजर चीज़ें सीखी वो सब कुछ वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमें सीखना ज़रूरी है एज अ मुस्लिम बींग। सफ़वा टीचर्स की अगर बात करें तो मैं 5 out of 5 स्टार दूंगा। टीचर्स में तो किसी तरह से कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई उसमें मैं कोई किसी तरह का पॉइंट एंटर कर सकूं। और जैसे कि शेख हातिफ अहमद खुद सब्जेक्ट्स पर हारे होते हैं, अकीदा वो खुद पर हारते हैं, फिक पर हारे होते हैं हमारे उस्ताद अदील आरफीन, तो उसके अलावा भी जो तमाम टीचर्स हैं आई लव देम ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। फेवरेट सब्जेक्ट सबसे पहले अकीदा, जो कि हमें शेख साहब ने पढ़ाया, अकीदा उलूहियत पढ़ा हमने, और उसके बाद उसूल फ़िक्र, और वो वैसे भी फेवरेट है लेकिन ज़्यादा फेवरेट इसलिए है चूँकि मैंने वो उस्ताद अदील आरफीन से पढ़ा। सफ़वा के ज़रिए आपको जैसे कि पहले भी बताया कि मैं ये समझ रहा था कि शायद मैं सफ़वा ज्वाइन करूँगा तो मुझे बहुत सी चीज़ें यानी A to Z मैं समझ जाऊँगा कि इस्लाम में ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, वैसा तो नहीं है। लेकिन सफ़वा ज्वाइन करने से मुझे एक बहुत बड़ा स्टेप मिला, एक बहुत बड़ा रास्ता मिला, एक दरवाज़ा खुला जिसके थ्रू मैं इस्लाम सीखने में आगे बढ़ सकता हूँ, आगे चीज़ें सीख सकता हूँ और उसूली तौर पर चीज़ों को जान सकता हूँ। और जिन मामलात में मैं बहुत परेशान रहता था कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये इस तरह से क्यों है, और हमारी मेजर इबादत की बात करूँ उसमें उसूली तौर पे चीज़ें कैसे हैं ये समझ आया। और जिसकी वजह से एक बता रहा हूँ कि एक इत्मीनान है, खुशी है और प्यास मज़ीद बढ़ गई कि मुझे आगे बहुत चीज़ें सीखनी हैं। मैं ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगा क्योंकि जब हम अपनी रूटीन के अंदर सारे कामों में मसरूफ़ होते हैं और सबसे पहले ज़ाहिर हम करियर देख रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, कोई स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, कोई इसी तरह से जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं निकल पाता, अगर वो चाहता भी है कोई इस तरह का कोर्स ज्वाइन करे जहाँ से वो बेसिक्स ऑफ इस्लाम समझ सके, उसूली तौर पे इस्लाम को पढ़ सके, तो उसे ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। और सफ़वा चूँकि वीकेंड पर करवाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेज हैं, और उससे बड़ी बात इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, तो मैं ये सारे के सारे स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और जो न्यू प्रोफेशनल्स होते हैं, फ्रेश प्रोफेशनल्स होते हैं, यूथ है हमारी 17 से लेके 22 तक, उन्हें तो मैं बहुत ज़्यादा ये रिकमेंड करूँगा कि वो लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सफ़वा को डिफ़ाइन करता हूँ कि जो हदीस के अंदर आता है कि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, ये उस इल्म का स्टार्ट है, ये इस सारे सफ़वा कोर्स के अंदर वो इल्म है जो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, चूँकि इसमें वो सारे के सारे बेसिक मसाइल और बेसिक रूल्स ऑफ इस्लाम है जो समझना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है।